गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, SV एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 8th, सब्जेक्ट इंग्लिश, पोइम 2, ज्योग्राफी लेसन। तो पिछले वीडियो तक अपने लेसन 2 को कंप्लीट किया था, सुनामी से रिलेटेड जो लेसन था उसके अपने क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स सारे किए थे। आज अपने 2nd पोइम पढ़ने जा रहे हैं, ज्योग्राफी लेसन भूगोल का अध्याय। भूगोल ज्योग्राफी पृथ्वी से संबंधित, तो ज्योमेट्री से संबंधित ज्योग्राफी। आज के पोइम में अपने पढ़ने जा रहे हैं कि एक पृथ्वी कब गोल दिखाई देती है, उस पर बसे हुए लोग कहाँ कहाँ अधिक जनसंख्या है, जब अपने ऊपर किसी विमान के माध्यम से, एयरक्राफ्ट के माध्यम से ऊपर जाते हैं तो हमें ये कैसी दिखाई देती है, ये सब अपने आज इस पोइम में पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लाइन, कैन यू इमेजिन दैट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 feet अबव द ग्राउंड। क्या आपने कभी कल्पना की है या आप कल्पना कर सकते हैं कि तुम्हारा शहर यदि तुम 10,000 feet की ऊंचाई से इसे देखते हो तो कैसा दिखता है। यानी कि क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि तुम्हारा शहर पृथ्वी से 10,000 feet की ऊंचाई से देखने पर कैसा दिखता होगा। कभी कल्पना की है, सोचा है कि हम यहाँ पे हैं तो हम बहुत सीमित भूभाग को देख पाते हैं, हमें पता ही नहीं चल पाता है, सिर्फ अपने पढ़ पाते हैं कि पृथ्वी गोल है, जनसंख्या इस वहाँ पर अधिक है, वहाँ पर कम है, कहीं मैदान है, कहीं कुछ है, कहीं पहाड़ है। तो लेकिन कभी आपने ये कल्पना की है कि जब हम ऊपर 10,000 feet की ऊंचाई पर पृथ्वी से जाते हैं तो ये हमें कैसी दिखती होगी। नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिजाइन। और उसके बाद में कहते हैं नीटली, अच्छी तरह से व्यवस्थित, प्लान मीन्स नियोजित, अच्छी तरह से नियोजित और एक ज्योमेट्रिक डिजाइन के अनुपात में पूर्ण रूप से ये दिखाई देती है। परफेक्ट मीन्स पूर्ण, प्रोपोर्शन मीन्स होता है अनुपात, लाइक ए ज्योमेट्रिक डिजाइन, एक ज्यामितिक आकृति के अंदर ये हमें दिखाई देती है। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज व्हाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। यह तुम्हें प्रभावित कर सकती है कि एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज, यह वास्तव में जैसी है उससे बहुत अधिक भिन्न है, यू आर इन द थिक ऑफ इट, जब तुम इसके ऊपर होते हो। यानी कि जब आप पृथ्वी के ऊपर होते हो, थिक ऑफ इट का मतलब है इसकी जो जनसंख्या उनके बीच में आप गिरे हुए रहते हो, जब आप वहाँ होते हो तो उससे जब आप ऊपर जाते हो तो यह आपको प्रभावित कर सकती है कि यह बहुत भिन्न होती है। हेयर इज ए पॉइंट डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ द सिटी। यहाँ एक कवि का वर्णन है जो कि एक शहर के दृश्य के बारे में, यानी कि एक शहर कैसा दिखता है उसके बारे में यहाँ पर कवि का एक वृतांत है। एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और कुछ सवाल भी हैं जो उसके दिमाग में आए। यानी कि एक कवि जब इसे ऊंचाई से देखता है तो यह कैसी दिखता है, शहर कैसा दिखता है, इसके बारे में अपना वृतांत सुनाता है और उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आते हैं, सवाल आते हैं, वो भी आप वह यहाँ पर बता रहे हैं। तो पोइम में क्या लिखा है देखते हैं। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile. यानि कि पोइट कहता है कि जब जेट यानि कि एयरक्राफ्ट विमान ऊपर आसमान के अंदर उड़ा तो it was clear why the city had developed the way it had, कि यह स्पष्ट था कि शहर उसी तरह से क्यों विकसित हुआ था जैसा वह था। सींग इट्स स्केल 6 inches टू द माइल,
जब उसने उसे एक मील की दूरी को 6 इंच के पैमाने में देखा। कहने का मतलब, जब कभी बहुत ऊंचा जेट विमान के अंदर आसमान में उड़ा तो उसने देखा कि 1 मील की दूरी 6 इंच के समान दिखाई देती है और उसे स्पष्ट हुआ कि एक शहर उसी तरह से विकसित क्यों हुआ था जैसा उसे होना चाहिए था या वह बसा हुआ था। There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky। वहाँ पर एक अवश्यंभाविता, inevitability का मतलब होता है अवश्यंभाविता, अवश्यंभाविता का मतलब होता है जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। अबाउट वट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपजार्ड, हैपजार्ड का मतलब अव्यवस्थित, यानी कि यह असंभाविता प्रतीत हुई उस भूमि के बारे में जो कि अव्यवस्थित दिखती थी। अनियोजित, अनप्लान का मतलब अनियोजित और बिना किसी व्यवस्थित तरीके से। वेन द जेट स्प्रैंग इन टू द स्काई, जब वह जेट आसमान के अंदर उड़ा। यानी कि इस स्टेंजा में पोइट ने हमें बताया है कि जब जेट आसमान में उड़ा तो यह स्पष्ट था कि शहर उसी तरह से क्यों बसा हुआ था जिस तरह से वह बसा हुआ था, यानी कि वैसा ही क्यों दिखता था, उसी तरह से विकसित क्यों था जिस तरह से वह बसा हुआ था। क्योंकि उस समय उसे 1 मील की दूरी 6 इंच के पैमाने में दिख रही थी और ऐसा प्रतीत, यह असंभावी प्रतीत हो रहा था कि भूमि के ऊपर शहर है वो अव्यवस्थित, अनियोजित और बिना किसी शैली के विकसित हुआ था, बसा हुआ था जब जेट है वो आसमान में उड़ रहा था। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated। उसके बाद में सेकेंड स्टैंजा में पोइट बताता है कि जब विमान है वो पृथ्वी से 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तो यह स्पष्ट था कि देशों के अंदर नगर क्यों थे और वे नगर नदियों के पास क्यों थे और घाटियों के अंदर जनसंख्या क्यों थी, पॉपुलेटेड आबादी, जनसंख्या। यानी कि पोइट कहता है कि जब मैं 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तो यह स्पष्ट था कि देशों के नगर है वो नदियों के किनारे क्यों थे और जो घाटियाँ थी वो अधिक जनसंख्या से भरी हुई क्यों थी या अधिक आबादी वाली क्यों थी। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, और उसके बाद में वो कहते हैं कि यह भूगोल का ही तर्क है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वाज क्लियरली डिलिनिएटेड व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट। कि यह भूगोल का ही तर्क है कि भूमि और पानी है वो आदमी को आकर्षित करते हैं। वाज क्लियरली डिलिनिएटेड, और स्पष्ट रूप से दिखाई दिया व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, और यह स्पष्ट रूप से उस समय दिखाई दिया जबकि जेट है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। कहने का मतलब, यहाँ पे पॉइंट हमें ज्योग्राफी के एक फैक्ट लॉजिक के बारे में बताता है कि ज्योग्राफी के अंदर ये लॉजिक है कि जहाँ पर पानी और भूमि दोनों उपलब्ध हो वहाँ पर लोग अधिक सघन रूप से विकसित होते हैं, अधिक संख्या में बसते हैं। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land। और उसके बाद में वो कहते हैं कि जब जेट 6 मील की ऊंचाई पर था तो यह स्पष्ट था कि पृथ्वी है वो गोल थी, मतलब है तो अभी भी, लेकिन वो ऊपर है तो ऊपर से कह रहा है कि जब मैं पृथ्वी पर था तो मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैं 6 फीट की ऊंचाई पर उड़ा तो मुझे ये महसूस हुआ कि पृथ्वी तो गोल थी, अपने को दिखाई नहीं दे रही थी। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और यह भी कि इसमें भूमि के बजाय सागर अधिक हैं, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो हमारा ये है यहाँ पर पानी अधिक है और रहने योग्य भूमि या स्थान कम है। बट
इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड क्यूजेस टू हैट ईच अदर टू बिल्ड वॉल्स एक्रॉस सिटीज एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई। उसके बाद में कभी कहते हैं पोइट कहते हैं कि 6 मील की ऊंचाई पर यह तो स्पष्ट था कि पृथ्वी गोल है और यहाँ पर भूमि की बजाय जल अधिक है, परंतु यह समझना कठिन था कि पृथ्वी पर लोग एक दूसरे से नफरत के कारण क्यों खोजते हैं और नगरों के बीच में दीवारों का निर्माण क्यों करते हैं, एक दूसरे को क्यों मारते हैं। परंतु उस ऊंचाई से यह समझना मुश्किल था कि ऐसा क्यों होता है। यानी कि पॉइंट हमें बताना चाहता है कि हम उस ज्योग्राफी के लॉजिक से यह तो समझ पाए कि पृथ्वी गोल है और जहाँ पर भूमि और पानी है वहाँ पर अधिक सघनता से जनसंख्या विकसित होती है, आबादी अधिक होती है। पृथ्वी गोल है, इसके चारों तरफ पानी अधिक है, भूमि कम है, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर को दीवारों के माध्यम से अलग क्यों करते हैं, एक दूसरे से क्यों झगड़ते हैं, क्यों मारते हैं, ये वो नहीं समझ पाए। तो आशा करता हूँ पोइम आपको अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके हार्ड वर्क और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।